अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु दोस्तों, मोहम्मद इम्तियाज। देखिए भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो एचवाईसी के ताल्लुक से गोलकुंडा पीएस में जो मेरा कंप्लेंट जो हुआ है, और लोग गलत इन्फॉर्मेशन वीडियो पर फैला रहे हैं कि इम्तियाज़ को अरेस्ट कर लिए बोल के बोल रहे, क्या ये बिल्कुल गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सेफ हूँ। आज क्या है भाई, तारीख 2022 और 22 तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, और हमारे इरफान साहब का, और हमारे जाफर हुसैन साहब का भी शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ, जिसके खिलाफ मैं हमेशा आए दिन इतने वीडियो बनाया मैं। और आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे वीडियो में 100 में से 80% पूरे MIM के खिलाफ है। पूरे वीडियो आप लोग देख सकते, हमेशा मैं MIM के खिलाफ इतने बातें करा। लेकिन आज ऐसे मेरे बुरे वक्त के ऊपर आज यही MIM पार्टी और यही हमारे सदर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर साहब आज पूरे जने मेरे को आज सपोर्ट करे। आज देखो, आज जितने भी जने खिलाफ रहने दो, अगर असद साहब कहने अगर जाएंगे तो उन्हें ये नहीं देखेंगे अरे इन्हें हमारा दुश्मन है बोल के, फिर भी इसको मदद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चीज़ मेरे को मालूम हो गई। इतने जनों को कॉल करा भाई, कोई मदद के लिए कोई PS के पास नहीं आया, लेकिन आज असदुद्दीन अवैसी साहब जो मेरे को मदद करे, जो अकबर साहब इला पूरे जने मिलके, आज मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ। और हमारे यूसुफ भाई का भी बहुत शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ, मैं यूसुफ अली का, जो मैं हमेशा इनके भी खिलाफ मैं इतने बातें करा। आज वो बंदा भी आज मेरे सपोर्ट पर ठहरा, और पीछे से जो लोग मेरी मदद करे मैं उनका भी शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ। और तमाम जो मीडिया वाले जहाँ पर जो आए थे आज मेरे सपोर्ट पे, मैं उनका भी शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ, अनवर भाई का और हामिद भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब रही बात, ये HYC से मेरे को जान का धोखा है। ये HYC वाले पूरा टारगेट डाल के मेरे ऊपर गोलकुंडा PS में कंप्लेंट करके मेरे को वहाँ पर बुला के, और उनके भी पूरी टीम को पूरा बुला के, उधर बाहर पूरा प्लानिंग के साथ पूरे लोग और PS के अंदर ही SI के सामने ये अय्यूब मेरे को बैड वर्ड यूज़ करा, इन्हें चिंदी चोर है, इन्हें कमीना है, इन्हें ये है वो है बोल के SI के सामने मेरे को बैड वर्ड यूज़ कर रहा है ये अय्यूब। तो ज़रा सोचो, तो मैं जब तक SI साहब को, सर्कल साहब को, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, जब तक नहीं मालूम था, जब तक ये लोग मेरे को लाइट ले लेके थे और ना ही मेरे पर मेरी बात कुछ भी नहीं सुन रहे थे, लगा एक बात नहीं सुन रहे थे, और पूरा ये अय्यूब के और सलमान के अय्यूब के फेवर में उनके सपोर्ट में बात कर रहे खाली। लेकिन मेरे को बस जो दिल में आया सर के बातें कर रहे, तुम कहीं को कर रहे सपोर्ट, तुम कहीं को बोल रहे ये बोल रहे बोल के मेरे को बोल रहे। जब अल्हम्दुलिल्लाह जब असद साहब का जब फ़ोन पहुंचा इलम के पास, तो ये पूरे के पूरे पूरा PS पूरा राइट हो गया, पूरा PS पूरा परेशान हो गया, पूरा PS पूरा मेरे को सपोर्ट कर रहा। फिर उसके बाद वाह, ये क्या है भाई, मैं CV आनंद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, ये आप होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप बोलते फ्रेंडली पुलिस, ये से फ्रेंडली पुलिस का तरीका। आज देखो, ये ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट के वजह से आज हमारे अच्छे खासे जो ऑफिसर आए जो पुलिस डिपार्टमेंट में, उनका भी नाम बदनाम हो जा रहा, ऐसे जनों के वजह से। SI के सामने, मैं सर्कल साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं SI के सामने मेरे को ऐसा बैड वर्ड यूज़ कर रहा है इन्हें, लेकिन हमारे मैडम भी कुछ भी नहीं बोल रहे, क्यों भाई, ये बिल्कुल गलत है। तो ज़रा सोचिए, ये अब ये जो लोग मेरे पर जो फेक न्यूज़ जो चलाकर इम्तियाज़ अरेस्ट हो गया, वो हो गया, अब मैं सीधा साइबर क्राइम में तुम लोगों के ऊपर कंप्लेंट करूँगा। मैं कहाँ से अरेस्ट हुआ भाई, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह घर में सेफ हूँ, और मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से और होम मिनिस्टर से असदुद्दीन अवैसी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये HYC से मेरा जान का धोखा है, कुछ भी कर सकते हैं लोग, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे को कुछ सपोर्ट दियो इन लोगों से, ये बदमाशों से। और रही बात जो प्रूफा जो है ना, हर चीज़ का वक्त आता, जब भी वक्त आएगा, जब ये पूरे प्रूफा मैं इंशाल्लाह मैं सामने रख दूंगा और वो लोगों को भी बुलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।